वेलकम टू यूनिंग स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जेनरेट पेज थीम में कैसे आप लोग ऑथर बॉक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जेनरेट पेज थीम के अंदर डिफॉल्ट कोई ऑथर बॉक्स नहीं है, आपको कस्टम ऑथर बॉक्स ऐड करना होगा। आप लोग प्लगइन यूज कर सकते हो ऑथर बॉक्स ऐड करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर कोई भी प्लगइन यूज नहीं करेंगे, विदाउट एनी प्लगइन हम लोग ऑथर बॉक्स ऐड करेंगे जेनरेट पेज थीम के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप लोग प्लगइन से करना चाहते हो तो प्लगइन अवेलेबल है, बहुत सारा प्लगइन अवेलेबल है ऑथर बॉक्स के लिए, तो वो सारा प्लगइन आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर कोई भी प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आपको बताएंगे। मैं जो आज वेबसाइट में जिस वेबसाइट में ऑथर बॉक्स ऐड करूंगा वो मेरा खुद का ही वेबसाइट होगा, चैट फॉर नाउ ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ही मैं ऑथर बॉक्स ऐड करूंगा। और उसी वेबसाइट के अंदर मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ, उस आर्टिकल का लिंक मैं भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन करके इस आर्टिकल के अंदर आप लोग आ सकते हो। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर आप लोग देख सकते हो हाउ टू एडिट ऑथर बॉक्स इन जेनरेट पेज थीम। ठीक है, जेनरेट पेज थीम के अंदर कैसे ऑथर बॉक्स को ऐड करना है वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताया है। यहाँ पर HTML कोड आपको मैंने दिया है, CSS कोड मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ये सारा चीज़ें आपको कैसे ऐड करना है, कैसे ऑथर बॉक्स को कस्टमाइज करना है, वो सारा चीज़ें हम लोग आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। अभी हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पर कोई भी ऑथर बॉक्स नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कमेंट फॉर्म और यहाँ पर टैग वगैरह, यहाँ पर कैटेगरी वगैरह, यहाँ पर कोई भी ऑथर बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑथर बॉक्स ऐड करने वाले हैं। ऑथर बॉक्स ऐड करने के लिए तो ये सबसे पहले हम लोग इसके डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हम लोग सबसे पहले इसका प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और हमारा जो प्रोफाइल है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। प्रोफाइल को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम देना होगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम मेरा दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैंने लास्ट नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम देना है, उसके बाद यहाँ पर निक नेम यही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले पब्लिक नेम। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्प्ले नेम देना होगा। तो यहाँ पर मेरा रतन कुमार राय ये डिस्प्ले नेम देता हूँ, तो आपका जो नेम है वो यहाँ पर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस है और यहाँ पर आपका वेबसाइट एड्रेस है और यहाँ पर आप लोग आपका जो ट्विटर का यूज़र नेम है वो यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मेरा ट्विटर का यूज़र नेम यही है Rotan360, हाँ इसको मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका URL यहाँ पर देना है। ठीक है, आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका URL आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। तो मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका URL मैं यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरा फेसबुक प्रोफाइल का URL है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अबाउट अस के अंदर आपका जो बायोग्राफी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो बायोग्राफी में मेरा बायोग्राफी लिख के रखा हूँ, तो ये जो मैं बायोग्राफी लिखा हूँ इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ। तो आपका जो बायोग्राफी होगा वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपडेट में क्लिक कर देना है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, प्रोफाइल अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल अपडेट हो गया है। अभी हम लोगों को हमारा जो प्रोफाइल है उसके अंदर हम लोगों को पिक्चर ऐड करना है। ठीक है, तो मेरा पिक्चर यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा ऑलरेडी इस ईमेल के अंदर पिक्चर है। तो हम लोग दूसरा पिक्चर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आपको हम लोग दिखाएंगे कैसे आप लोग पिक्चर ऐड करोगे। पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टिक मार्क देना है, टिक मार्क यानी कि क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। इस वेबसाइट के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उस अकाउंट के अंदर यहाँ पर लॉगिन करूँगा, इसलिए यहाँ पर साइन इन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइन इन में क्लिक कर यहाँ पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर मैं डालता हूँ। ठीक है, मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर मैं डालूँगा, जिस ईमेल से आपका वेबसाइट है उस ईमेल से यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अलग ईमेल से अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। मे बी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गैलरी में हमारा एक ईमेल है। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी ईमेल है, तो ये जो इमेज है इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हो अपलोड इमेज यहाँ पर कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे अपलोड इमेज। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इमेज को अपलोड कर देते हैं और हमारा जो इस इमेज है इसको हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा इमेज अपलोड हो चुका है।
और इस तरह का क्रॉप करने का यहाँ पर ऑप्शन है, तो हम लोग इसको क्रॉप कर लेते हैं। ओके, क्रॉप करने के बाद यहाँ पर क्रॉप इमेज में क्लिक करते हैं और ये जो इमेज है ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिस आर्काइव, ओके, यहाँ पर डिस्प्ले होगा ये ऑल वेबसाइट में, हमारा जो भी वेबसाइट होगा ये जो इमेज है यही डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद सेट रेटिंग में क्लिक करना तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा इमेज सेट हो चुका है। अभी हम लोग अगर हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर जाते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं हमारा इमेज यहाँ पर ऐड हो चुका है कि नहीं। यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे कि हमारा यहाँ पर प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इमेज है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इमेज इसको डिलीट कर दिया और अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। ओके, अभी भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम होगा मे बी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं माई प्रोफाइल के अंदर। ओके, माई प्रोफाइल के अंदर यही हमारा इमेज है और यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लोग ये सारा चीज़ें दे दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, मेरा फर्स्ट नेम और यहाँ पर मेरा लास्ट नेम में। ओके, यहाँ पर लास्ट नेम नहीं, यहाँ पर आपका लोकेशन, यहाँ पर आपका बारे में कुछ चीज़ें लिख देना और सेव में क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको वेबसाइट में इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट में जाना होगा और यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा कोई भी वेबसाइट यहाँ पर ऐड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एडिट वेबसाइट में क्लिक करते हैं और हमारा जो वेबसाइट है इसका लिंक को यहाँ पर कॉपी करना है। तो हमारा जो लिंक है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल, यहाँ पर चैट फॉर नाउ, यही हमारा वेबसाइट का टाइटल। ओके, उसके बाद यहाँ पर सेव वेबसाइट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा वेबसाइट सेव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड, ओके, इंफॉर्मेशन, वेरीफाई पेमेंट, ओके, वेबसाइट हमारा सेव हो चुका है और फोटो गैलरी में हमारा एक ही फ़ोटो रहेगा। इसमें हम लोग फोटो गैलरी में इस फोटो को अपलोड कर देते हैं फोटो गैलरी में भी। ठीक है, ओके, फ़ोटो हमारा आ गया है। ओके, इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यू योर प्रोफाइल हियर, यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल रेडी हो चुका है और यहाँ पर हमारा वेबसाइट भी आ चुका है। अभी हम लोग इसको अगर रिलोड करते हैं तो हमारा प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, प्रोफाइल इमेज। ओके, हमारा प्रोफाइल इमेज इस बार आ चुका है, देख सकते हो प्रोफाइल पिक्चर हमारा चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके अंदर प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो अभी हम लोगों का सब कुछ यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर हमारा नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर हमारा वेबसाइट, यहाँ पर ट्विटर, यहाँ पर फेसबुक और यहाँ पर हमारा डिटेल्स दिया है, हमारा बायोग्राफी और हमारा पिक्चर भी ऐड कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑथर बॉक्स है जेनरेट प्रेस के अंदर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा जेनरेट प्रेस वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर जेनरेट प्रेस थीम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट नाम का जो ऑप्शन है इसको एक्टिव करना है। इसको अगर आप लोग एक्टिव नहीं करोगे तो नहीं होगा, एडिट ऑप्शन है यानी कि ये एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट के अंदर आपको जाना है, एलिमेंट के अंदर जाने के बाद ऐड एलिमेंट और यहाँ पर आपको हुक ऐड करना है। ठीक है ना, चूज एलिमेंट टाइप में हुक ऐड करना और यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करना। क्रिएट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑथर बॉक्स ऐड करना है, इसलिए हम लोग ऑथर बॉक्स टाइटल देंगे। ठीक है, आप लोग कुछ भी टाइटल यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि हुक टाइटल, यहाँ पर ऑथर बॉक्स दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड मिलेगा, ऑथर डिटेल्स एचटीएमएल कोड, इस कोड को कॉपी करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ ऑल कॉपी। उसके बाद यहाँ पर मैं हमारा जो कोड है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हुक के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर हुक्स, इसको हम लोग कंटेंट, बिफोर कंटेंट, आफ्टर कंटेंट हम लोग देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लर्न कोड थे, कंटेंट के अंदर यहाँ पर देते हैं आफ्टर मेन कंटेंट। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर कंटेंट इसको सिलेक्ट कर देते हैं, आफ्टर कंटेंट, और यहाँ पर एग्जीक्यूट पीएसपी इसको टिक मार देते हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले रूल में यहाँ पर हम लोग पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑल पोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ऑल पोस्ट, उसके बाद यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग पब्लिश में क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग रीलोड करके देखते हैं तो हमारा ऑथर बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ऑथर बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑथर बॉक्स है इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर CSS ऐड करेंगे। CSS ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको CSS कोड भी दिया हुआ है, देख सकते हो ऑथर डिटेल CSS कोड, इसको कोड को कॉपी करना है, इस कोड को कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं यहाँ से अपीयरेंस से कस्टमाइज ऑप्शन में, अपीयरेंस से कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको
इस ऑथर बॉक्स को हम लोग यहाँ पर CSS एडिशनल CSS के अंदर जाना है, एडिशनल CSS, और यहाँ पर हम लोग लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करते हैं और अभी हम लोग इसको रिलोड करते हैं और हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे कि हमारा जो ऑथर बॉक्स है वो यहाँ पर सही से ऐड हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ये हमारा ऑथर बॉक्स है और ऑथर बॉक्स हमारा यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है, यहाँ पर हमारा इमेज आ चुका है और यहाँ पर हमारा डिटेल्स आ चुका है जो भी हम लोग दिया है। और यहाँ पर हमारा जो भी यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑथर जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जेनरेटपेस थीम के अंदर ऑथर बॉक्स ऐड कर सकते हो विदाउट एनी प्लगइन, कोई भी प्लगइन की आपको ज़रूरत नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।